अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे कि एक बल्ब को चार मुख्तलिफ जगहों से कैसे कंट्रोल किया जाता है। सबसे पहले हम इसको डायग्राम की मदद से देखेंगे, फिर इसको प्रैक्टिकली भी बना के देखेंगे। सो शुरू करते हैं आज की वीडियो। हमारे पास डायग्राम में चार टू वे स्विचेस और एक बल्ब मौजूद है। अब हम इसके कनेक्शन करते हैं। सबसे पहले दो टू वे स्विचेस हैं, इनके पहले दो टर्मिनल को आपस में जोड़ देना है। फिर जो एंड वाले दो टर्मिनल हैं पहले टू वे स्विच के, इन दोनों को आपस में जोड़ देना है। इसी तरह जो दूसरे दो टू वे स्विचेस हैं, इनके पहले दो टर्मिनल को आपस में जोड़ देना है और दूसरे दो टर्मिनल्स को आपस में जोड़ देना है। और जो दरमियान वाले, इनके दो टर्मिनल हैं, इनको आपस में जोड़ देना है। अब बाकी जो दो टर्मिनल बचते हैं, एक को बल्ब के साथ जोड़ देना है जो कि हमारा पॉजिटिव होगा, और इस टू वे स्विच से इसको सप्लाई दे देनी है, पॉजिटिव सप्लाई के साथ जोड़ देना है। ये हमारी पॉजिटिव सप्लाई हो जाएगी और जो बल्ब है एक टर्मिनल बचता है वो हमारा नेगेटिव होगा और उसे डायरेक्टली हमने नेगेटिव के साथ जोड़ देना है। इस तरह से हमारा ये सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। अब हम इसको प्रैक्टिकली भी बना के देखेंगे। अब हम डायग्राम को देखते हुए इनके कनेक्शन करते हैं। ये मेरे पास वायर के कुछ टुकड़े हैं। अब डायग्राम को देखते हुए इनके कनेक्शन करते हैं टू वे स्विचेस के। इसके पहले टर्मिनल को दूसरे टू वे स्विच के टर्मिनल के साथ जोड़ देना है। और इनके एंड वाले टर्मिनल को भी आपस में जोड़ देना है। इसी तरह दूसरे जो टू वे स्विचेस हैं इनको भी आपस में जोड़ देना है पहले टर्मिनल को। इस टर्मिनल के साथ और एंड वाले टर्मिनल को भी आपस में जोड़ देना है। अब जो इन दोनों के जो दरमियान वाले टर्मिनल हैं इनको एक वायर की मदद से आपस में जोड़ देना है। ये आप देख सकते हैं डायग्राम में भी ऐसे ही है। अब इस टर्मिनल को हमने सप्लाई के साथ जोड़ देना है और इस टर्मिनल को हमने बल्ब की पॉजिटिव वायर के साथ जोड़ देना है। इस तरह से हमारी ये पॉजिटिव बल्ब के साथ जोड़ दी और ये हमारी डायरेक्टली नेगेटिव हो जाएगी और इधर से हम पॉजिटिव फ्राहम करेंगे। आप ये देख सकते हैं कि हमारा ये सर्किट कंप्लीट हो चुका है जिस तरह से हमने डायग्राम में किया था। अब हम इसको चेक भी करते हैं। मैं इसको सीधा करके आपको दिखाता हूँ। ये इस तरह से ये हमारा सर्किट कंप्लीट हो चुका है।
अब हम इसको चेक करते हैं सप्लाई के साथ। अब हमने सर्किट को सप्लाई के साथ जोड़ दिया है, अब हम इसको चेक करते हैं। अगर इस साइड वाला बंदा ऑन करेगा तो दूसरी साइड वाला बंदा इधर से ऑफ कर सकता है, फिर इससे दोबारा ऑन भी कर सकता है और इससे ऑफ कर सकता है, और इससे ऑन करके इससे ऑफ भी कर सकता है, और दोबारा इससे ऑन कर सकता है और इससे ऑफ कर सकता है। इस तरह से हमारा ये सर्किट कंप्लीट हो चुका है। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आएगी।